एक बार फिर तो काले रंग वाले बयान ते सियासत पकी है क्योंकि जदों अमृतसर पहुंचे दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं इस मुतलक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा रंग काला हो सकता है पर मेरी नीयत साफ है। सीएम चन्नी ने केजरीवाल नूं काला अंग्रेज दस्या सी। इस मुतलक उन्होंने जो सवाल किया गया तो एयरपोर्ट से पहुंचते हुए अरविंद केजरीवाल ने इसका करड़ा जवाब दिया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरा रंग काला हो सकता है। मैं मानता हूं कि मेरा रंग काला है। मैं तो गाड़ी में जमीन पे पिंड पिंड में घूम रहा हूं। धूप में मेरा रंग काला हो गया। आपकी तरह मैं हेलीकॉप्टरों में नहीं घूमता, आपकी तरह मैं आसमान में नहीं रहता। सबको पता है कि मेरी नीयत काली नहीं है, मेरी नीयत साफ है। और सबको पता है कि नीयत काली किसकी है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक बार हमारी सरकार बनेगी तो ये सस्ते कपड़े पहनने वाला और ये काला आदमी अपने सारे वादे पूरे करेगा। मैं झूठे ऐलान नहीं करता, मैं झूठे वादे नहीं करता। कोई सियासत नहीं हो रही ऐसी कहने यार। पंजाब पंजाबियों का लोगों का तुसी आके इतने खलड़ ना पाओ। ये बाहर से आके काले अंग्रेज राज करना चाहते इस करके लोग तंग है। मानयोग मुख्यमंत्री साहब चन्नी साहब केजरीवाल जी के रंग पे, उनके रंग पे अभद्र भाषा अभद्र कमेंट दे रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि केजरीवाल की कमीज बड़ी सस्ती है, अब कह रहे केजरीवाल का रंग काला है। मैं कहना चाहता हूं चन्नी साहब को कि चन्नी साहब ये बदजुबानी बंद करो। पंजाब की आवाम केजरीवाल साहब से मोहब्बत करती है, दिलों प्यार करती है, और ऐसे केजरीवाल साहब के रंग के बारे में, उनकी कमीज के बारे में ऐसे बयान देकर आप पंजाब के लोगों का अपमान कर रहे हो। ये केजरीवाल साहब का अपमान नहीं है, ये पंजाबियों का अपमान है। ते इसे ते साडे नाल गलबात करन दे लई यूथ कांग्रेस दे प्रधान बरिंदर ढिल्लों जुड़ चुके ने। बरिंदर ढिल्लों साहब बहुत स्वागत है तुहाडा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे। ते हरपाल चीमा जो कि विरोधी धिर दे आगू ने वह भी साडे नाल जुड़ चुके ने, उन्हां दा भी स्वागत है। ढिल्लों साहब तुहाडे कोल आऊंगी, आखिर क्यों सियासत दा पद्धर इस लेवल ते आ डिग गया है कि अज इस तरह दी निजी टिप्पणियां तो भी सियासतदान गुरेज नहीं करते। देखो पहली गल तो केजरीवाल साहब के बारे मैं सिर्फ इना कहना चाहूंगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री आ ना, वो पंजाब के एम एल ए आ ना, पंजाब के लीडर आ ना, पंजाब के विच उन्होंने कोई स्टेक आ ना, इतों के वसनीक आ। उन्हां दी गल्लां दे बारे इन्ना ज्यादा जवाबदेही मेरे हिसाब ना बनती नहीं। वो इन्हां दी पार्टी के जरूर लीडर हो सकते हैं, जवाब ना दो। पर जो थोड़े पंजाब दे मोढ़ी पंजाब दे मुख्यमंत्री कह रहे ने उस उन्हां दी गल ते तां जवाब दोगे ना? बिलकुल, की कहता मुख्यमंत्री साहब ने? सारे मीडिया चैनल से चल रहे काला अंग्रेज कह रहे ने केजरीवाल साहब नूं। मैं सिर्फ तुम गल कह रहा कि मुख्यमंत्री साहब का आपका रंग वेख लो केड़ा वा, मुख्यमंत्री साहब का केड़ा रंग अपना ही कहते बड़े अपना ही कहते, मैं कहूंगा भी बड़ा उन्होंने रंग के उत्ते। उन्होंने इस तरीके कहा भी अंग्रेज जेड़े आ कह रहे 1947 च आए थी अंग्रेज, आप कहते जिन्हों का रंग गोरा सी, ये भी अब अंग्रेज आ, ये दिल्ली वा दिल्ली तो इंपोर्टेड लीडर आ रहे आ जेड़े पंजाब में आके नैरेटिव सेट करे, जेड़े पंजाब च आके दसन कि क्यों की गल, पंजाब के इन्होंने लीडर की काबिलियत खत्म हो गई कि हरपाल चीमा की काबिलियत नहीं है कि हरपाल चीमा की गरंटी दी जा सकती है कि भगवंत मान काबिलियत भी है उनकी गरंटी दी जा सकती है। ये बाहरों आके लोग यह पंजाब का नैरेटिव और पंजाब दी गरंटियां कब तो चक्कर लग पे, उन्होंने उन्होंने बाहरला किया वा और उस शब्दावली के अपना कहते इस संदर्भ च किया। सो इस करके ये बाहरले लोग जिन्हों का पंजाब कोई लेना देना नहीं आ, जिन्हों का पंजाब के चलो ठीक है अंग्रेज तो एक्सप्लेन करता, पर जो कहते ने कि मेरी कमीज नू लेके भी कहते ने कि अरविंद केजरीवाल तो सस्ती कमीज पाउंदे ने। इस गल दे विच सस्ती पानी महंगी पानी रंग दे विच ये उलझा के क्यों रखना चाहते हैं, ये इस गल दी गल दा जवाब देण वी केजरीवाल साहब इत्थे क्यों आके गरंटियां दे रहे सर, उन्हां नू उलझाण दा मौका किने दित्ता, बयान आए तो उलझा रहे ने। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਸੋਲਵ ਕਰਨਗੇ।
ठीक है। हरपाल चीमा जी साडे नाल बने हुए ने, तुसीं हरपाल चीमा जी नूं कहि कि उन्हां दे विच कोई काबिलियत नहीं है, वह क्यों नहीं गरंटियां दिंदे, वह क्यों नहीं अगे आउंदे, भगवंत मान साहब करी अगे आउंदे, चीमा साहब तों जवाब ले लैंदे आ। चीमा साहब, खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग करना शोभा दिंदा हैगा। चन्नी साहब ने कपड़े ठीक नहीं पाते, हुण कहिंदे ने काले रंग दे अंग्रेज़ ने, इथों पता लगता है कि चन्नी साहब अरविंद केजरीवाल जी दीआं गल्लां दा जवाब नहीं दे सकते जी, उन्हां दा जिहड़ा विजन आ उहदे उहदे मुकाबले दी कोई गल नहीं कर सकते। पंजाब दे विच जदों दी कांग्रेस पार्टी दी सरकार बणी आ, इक मसले दा हल नहीं कीता। गल मुद्दिआं ते बहस होनी चाहीदी सी, गल एजुकेशन ते बहस होनी चाहीदी सी, एजुकेशन दा की हाल आ, गल पंजाब दे हैल्थ सैक्टर ते बहस होनी चाहीदी सी। सो मैं समझदा जिहड़ा इस तरह की बयानबाजी करके चन्नी साहब मुद्दों राजनीति तो बचना चाहते हैं, भज रहे हैं कि अपनिया कमजोरिया अपनिया नाकामिया लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी देश के वो नेता ने, देश के वो लीडर ने, स्वागत ਉਹ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ? ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ? ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਟਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸੌਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿਕ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਤਾ ਜੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਤਾ। इस गल बारे दस दौ, जिन्ने तुम वादे करते जे तुहाडियां हैल्थ सबसिडियां जिहड़ियां ने करोना दे विच, दिल्ली दा जिथे बेहतर सेवावां ने उत्थे जलूस निकल गया, उत्थे लोगों नूं शमशान घाटां विच लाशां छाड़न वास्ते समां नहीं मिलिया, लोगों ने सड़कां ते साड़ियां ते पार्कां दे विच साड़ियां ते ताहां वजियां। और मेरा ख्याल कि जरनैल सिंह वर्गा जिहड़ा एक्स MLA सीगा, जिहड़ा आम आदमी पार्टी दा आगू सीगा, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਇਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਬੋਲ, ਮਤਲਬ ਟਵੀਟ ਤੇ ਟਵੀਟ, ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਿਆਨ, ਕਦੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਢਿੱਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਟ ਆਫ ਸਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਟ ਆਫ ਸਲੈਕਟ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ,
ठीक है ढिल्लों साहब, सवाल जवाब का सिलसिला तो जारी है, पर आखिर तमाम जनता के सवालों के जवाब भी ये इन्हों नुमाइंदों देने होंगे। बहुत शुक्रिया तीन मेहमानों का साढ़े जुड़न के लिए।